हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कैरियर्स एंड वेक्टर्स। तो हम पढ़ेंगे बेसिकली, अगर हम एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग इंसेक्ट्स की स्टडी पढ़ रहे हैं, तो इंसेक्ट्स का बेसिकली जो हमारे लिए रोल है वो क्यों पढ़ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड हाउ दे स्प्रेड डिजीजेस सो दैट वी कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल दैम। सो बेसिकली देर आर टू टर्म्स, कैरियर्स एंड वेक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद द स्प्रेडिंग ऑफ और ट्रांसमिटिंग ऑफ डिजीजेस। सो बेसिकली टू बिगिन विद, इफ़ वी टॉक अबाउट कैरियर्स, अगर हम बात करते हैं कैरियर्स की, सो कैरियर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी एनी पैथोजन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म किसी पैथोजन को कैरी कर रहा है, वो जब पैथोजन को कैरी करता है, तो बेसिकली वो पैथोजन या तो उस पर पैरासिटिक हो सकता है या उस पर सिम्पर्टिक हो सकता है। ठीक है, तो वो पैरासाइट को कैरी कर रहे हैं एंड हार्बर्स द पैरासाइट एंड हार्बर्स द पैथोजन without manifestation of disease। तो बेसिकली कैरियर्स में क्या हो रहा है, वो कैरी कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैथोजन को कैरी कर रहे हैं, उन्हें हार्बर कर रहे हैं, मतलब उन्हें शेल्टर दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, बट दे आर नॉट कैरिंग एनी डिजीज़। लेकिन जो कैरियर हैं उनको डिजीज़ नहीं है, उनको डिजीज़ के सिम्टम्स नहीं है, वो कैरी कर रहे हैं। अगर उनको डिजीज़ होते तो हम उन्हें सिक पीपल के नाम से कंसिडर कर सकते थे। तो अगर हम बात करें अब टाइप ऑफ कैरियर्स की, टाइप ऑफ कैरियर्स में हमारे फर्स्ट टाइप हैं ट्रांजिएंट कैरियर। जब हम बात करते हैं ट्रांजिएंट कैरियर के, तो ट्रांजिएंट कैरियर्स वो होते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो होस्ट इज इन्फेक्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि अब मान लो सपोज देर इज अ पर्सन जिसको कोई डिजीज़ हुआ बहुत थोड़े टाइम के लिए, मान लो कोल्ड हुआ, कफ हुआ फॉर अ डे और टू, वो ठीक हो गया, लेकिन वो कैरियर था, उसकी बॉडी में जो वायरस है या जो बैक्टीरिया वो स्प्रेड हो रहे हैं थ्रू एयर ड्रॉपलेट वाइल स्नीजिंग वाइल कफिंग और वो स्प्रेड होकर बाकी, तो वो कैरियर तो है बट वो खुद ठीक हो गया विद इन अ डे और टू। ठीक है, सेकेंड वाला ए सिम्टोमैटिक कैरियर्स एज द नेम सजेस्ट, ए सिम्टम्स है मतलब दे डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स। सो द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कैन स्प्रेड पैथोजन बट डज नॉट कंटेन एनी सिम्टम। अब ये बहुत केसेस में होता है, स्पेशली टाइफाइड के केसेस में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, टीबी के केसेस में हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है, मान लो उसकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस कोई भी इन्फेक्टिंग माइक्रोब है वो एंटर हो गया, अब वो जब उसकी बॉडी में एंटर हुआ तो देर आर चांसेस कि उसकी बॉडी से वो दूसरों की बॉडी में स्प्रेड हो थ्रू एयर वाटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू वेरियस मीन्स। ठीक है, लेकिन मे बी उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग इनफ था कि उसको डिजीज़ नहीं हुआ, उसको कोल्ड फ्लू फीवर टाइफाइड जॉन्डिस कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बट स्टिल द माइक्रोब हैज एंटर्ड इनटू द रिस्पेक्टिव पर्सन, सो देयरफॉर ही और शी इज अ कैरियर। द थर्ड कैटेगरी इज, जो हमारा थर्ड है वो है इनक्यूबेटिंग कैरियर का मतलब क्या होगा कि जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, वो डिजीज स्प्रेड कर सकता है बट अभी तक उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आए। द पर्सन इज इन्फेक्टेड but does not show any symptoms yet, though it is capable of transmitting disease। इंक्यूबेटिंग में पर्सन इन्फेक्टेड है, उसकी बॉडी में माइक्रोब एंटर हुए बट अभी तक उस पर्सन ने की बॉडी में कोई भी सिम्टम्स अराइज नहीं हुए, बट क्योंकि उसकी बॉडी में माइक्रोब एंटर हुए, सो देर आर चांसेस दैट इट मे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो अब आप बोलोगे कि मैम एसिम्टोमेटिक और इंक्यूबेटिंग में फर्क क्या हुआ। एसिम्टोमेटिक का मतलब बेटा जब माइक्रोब एंटर हुआ, सपोज मेरी बॉडी में टाइफाइड के बैक्टीरिया एंटर हुए बट माई इम्यून सिस्टम वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, या मैंने वैक्सीन ली हुई थी, या फॉर एन नंबर ऑफ रीजन मुझे टाइफाइड नहीं हुआ, दो द बैक्टीरिया इज इन माई बॉडी इज इन माई ब्लड बट स्टिल आई एम नॉट इन्फेक्टेड, मतलब आई एम इन्फेक्टेड बट आई एम नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स और एनी डिजीज, डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, बॉडी एक स्टमक कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो मैं क्या हो गई, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इंक्यूबेटिंग कैरियर की, इंक्यूबेटिंग कैरियर में एक बहुत कॉमन एग्जांपल आप कोरोना का ले सकते हो। आपको याद होगा जब कोविड पीरियड चल रहा था, जब कोरोना टाइम था, तो उस टाइम पे क्या होता था, एक चीज़ हम सुनते थे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब कि अगर एक बंदे को कोरोना हुआ है तो हम पहले ये चीज़ देख रहे थे कि ये कितनों के कॉन्टैक्ट में आए। सपोज अगर मुझे कोरोना हुआ है और मुझे ये बात आज पता चलती है, तो मेरा देखा जाएगा कि मैं पिछले 3-4 दिनों में या पिछले 1 हफ्ते में किन लोगों से मिली हूँ, और उन सबको हम सजेस्ट करते हैं कि आप आइसोलेशन में चले जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे थ्रू वायरस उनकी बॉडी में एंटर तो हो गया, मतलब अगर मेरी बॉडी में एंटर हुआ तो मेरे आसपास जितने लोग हैं उनकी बॉडी में भी थ्रू कॉन्टैक्ट एयर वाटर और एन नंबर ऑफ रीजन, मतलब वो कम्युनिकेट हो गया, ट्रांसमिट हो गया। लेकिन अभी वो इंक्यूबेशन पीरियड में, अभी वो ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तब वो डिजीज़ कॉज करेगा। तो मतलब जो लोग मेरे कॉन्टैक्ट में आए थे उनको कोरोना के सिम्टम्स आएंगे बट आफ्टर फ्यू डेज। तो ये हो गया इंक्यूबेटिंग करियर, मतलब कि कैरियर सॉरी, क्योंकि इन्फेक्शस एजेंट जो है वो एंटर हो गया बट अभी तक डिजीज़ नहीं हुआ, सिम्टम नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज इट इज़ टेकिंग सर्टेन टाइम टू गेटिंग इन टू इट्स प्रॉपर स्टेज इन डेवलपिंग इन रिप्रोड्यूसिंग। द नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉन्वेलेसेंट कैरियर। कॉन्वेलेसेंट वो होते हैं जिनको बीमार हुए थे, उनकी बॉडी में पैथोजन एंटर हुआ था बट अब वो रिकवर हो गए हैं। सो बेसिकली दे रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस बट आर स्टिल केपेबल ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़। मतलब कि हम बीमार हुए थे, ठीक हो गए, लेकिन फिर भी मे बी वो माइक्रोब्स अभी भी हमारी बॉडी में है और हमारी बॉडी से स्प्रेड हो सके। ऐसा हमें कई डिजीज़ में देखने के लिए मिलता है, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल है चिकन पॉक्स। अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है तो मान लो 4-5 डेज़ के लिए उसको फीवर होगा, जो अलग अलग पिंपल टाइप के जो पॉक्सेज होते हैं वो होते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। पर्सन जो पेशेंट था, जो सिक पर्सन था, वो रिकवर हो गया, लेकिन फिर भी आफ्टर गेटिंग रिकवर्ड, ये नहीं कि आज फीवर ठीक हुआ, पॉक्सेज थोड़े ठीक हो गए, कम हो गए तो हम कल ही निकल जाए, नो, बिकॉज वी आर स्टिल अ कॉन्वेलेसेंट कैरियर। हमारी बॉडी अभी भी वो पॉक्स के वायरसेस हैं जो इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं एनवायरनमेंट में और दूसरे पर्सन्स में। सो दीज वर अबाउट द कैरियर्स। तो हमने पढ़ा कि कैरियर कौन होते हैं और टाइप ऑफ कैरियर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली कैरियर्स में हमने ये देखा कि या तो इनके अंदर सिम्टम होंगे शॉर्ट टाइम के लिए, या सिम्टम नहीं होंगे। सिम्टम नहीं हो रहे तो दो रीजन हो सकते हैं, इट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, इट कैन बी इंक्यूबेटिंग कैरियर, या फिर ये कॉन्वेलेसेंट कैरियर्स हो सकते हैं, मतलब कि ये बीमार हुए थे बट अब ये ठीक हो गए। तो कैरियर बेसिकली वही है जो ट्रांसमिट करता है पैथोजेंस, जो पैथोजेंस को ट्रांसमिट करता है उसको क्या बोलेंगे, कैरियर। और ज़्यादातर अगर हम देखें तो कैरियर्स यूजुअली हम उन्हें भी कंसिडर करते हैं जो पैथोजन को ट्रांसमिट करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स में। अगर वो उस टाइम पे रिप्रोड्यू, अगर सपोज कोई मस्कीटो है, कोई डॉग है, मान लो कोई डॉग है जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसके अंदर कोई वायरस है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उस टाइम पे अगर उसके पप्स होते हैं तो देर आर चांसेस कि उसका जो डिजीज़ था वो उसके पप्स में आ गया हो। सो इन दैट केस इट इज़ अ कैरियर। तो कैरियर आर द इंडिविजुअल हु हैज़ द डिजीज बट नॉट सिम्टम्स, इट इज़ केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजीजेज टू न्यू इंडिविजुअल। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे विच आर वेक्टर्स। सो वेक्टर्स भी क्या हैं, वेक्टर्स भी ऑर्गेनिजम्स हैं। सो दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिजम्स विच ट्रांसमिट डिजीज़। ये भी क्या करते हैं, डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम अ डिजीज पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। बट फिर अब वेक्टर और कैरियर में डिफरेंस क्या हुआ, वेक्टर और कैरियर में मेन डिफरेंस इतना है, वेक्टर्स ट्रांसमिट डिजीज विदाउट गेटिंग डिजीज्ड, मतलब कि इनको वो बीमारी नहीं होगी। कैरियर्स में हमने क्या बोला था कि अगर मेरे को कोरोना वायरस हो गया और मेरी वजह से बाकी लोगों को हो रहा है तो आई एम द कैरियर, क्योंकि उस इन्फेक्शस एजेंट ने मुझे भी इन्फेक्ट करा। लेकिन अब अगर मैं बात करती हूँ मलेरिया की, मलेरिया होता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। सो प्लाज्मोडियम क्या हो गया, पैथोजन, क्योंकि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। लेकिन होगा कैसे, हम हमेशा ये तो नहीं बोलते प्लाज्मोडियम से, हम तो बोलते हैं मच्छर काटने की वजह से। तो मच्छर बेसिकली एनोफिलीज मॉस्कीटो, तो अगर एनोफिलीज मॉस्कीटो की बॉडी में ये प्लाज्मोडियम एंटर करेगा और वो एनोफिलीज मॉस्कीटो हमें बाइट कर लेगी, तो हो सकता है ड्यूरिंग द ब्लड मील हमारी बॉडी के अंदर वो ये प्लाज्मोडियम्स को इंजेक्ट कर दे। तो ये हो गया वेक्टर। क्यों? क्योंकि पैथोजन एनोफिलीज की बॉडी में एंटर तो करा लेकिन उसने एनोफिलीज को कोई भी डिजीज़ या सिम्टम कॉज नहीं करा। लेकिन जब हम कैरियर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम कह रहे थे डिजीज़ तो होता है, इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो हार्म तो करता है, बट हम सिम्टम्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे थे कि सिम्टम्स हैं नहीं हैं, इंक्यूबेशन में हैं या होके ठीक हो चुके हैं, ऑल सच रीजंस। ठीक है जी। सो बेसिकली अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो हम वेक्टर्स के बारे में बोल सकते हैं दे आर एजेंट्स दैट कैरी एंड transmit pathogen into different individuals either directly, मतलब कि into the blood जैसे कि anopheles ने करा, या
इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब हो गया थ्रू फूड वाटर वगैरह, जैसे कि टाइफाइड वगैरह के केस में होता है कि फ्लाइज वगैरह जो है कंटामिनेटेड सॉइल पे फूड पर बैठ कंटामिनेटेड प्लेस पर बैठती हैं सॉइल पे, पैथोजन को पिक करा फिर वो हमारे फूड पर बैठेंगे उसी खाने को हम खा लेंगे, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट विक्टिम। सो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेसिकली आर्थ्रोपोड्स जो हमारे इंसेक्ट्स हैं फ्लाइज हैं फॉर्म्स अ मेजर ग्रुप ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मस्कीटोस, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई और उसके अलावा टिक्स, फ्लीज, माइट्स एट्सेट्रा। ठीक है, सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में। सो टाइप ऑफ वेक्टर्स में देर आर टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेक्टर्स एंड द सेकेंड वन इज़ बायोलॉजिकल वैक्टर्स। तो अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल वैक्टर्स की, मैकेनिकल वैक्टर क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं डिजीज़ को मैकेनिकली, मैकेनिकली मतलब फिजिकली, फिजिकली जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे अगेन हमने डिस्कस करा कि फ्लाइज जो है वो पैथोजन को पिक कर लेंगी थ्रू देयर विंग्स या उनके पॉज के थ्रू, उनके पैरों के थ्रू, उनके एंटीना सीटे के थ्रू, और उसके बाद जब वो किसी इन्फेक्टेड किसी फूड के ऊपर बैठेंगी तो हो सकता है कि वो वहाँ पर उन पार्टिकल्स को अधेयर कर दें। सो इट इज़ द ट्रांसमिशन, इज़ द ट्रांसमिशन that occurs by contamination of pathogen through mechanical means like a fly sitting on infected wound and then contaminating the food। तो बेसिकली ये हो गए हमारे पास एग्जाम्पल मैकेनिकल वैक्टर का। जैसे इसमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हो जाते हैं फ्लाइज वगैरह का, क्योंकि फ्लाइज के जो माउथ पार्ट्स होते हैं ना वो स्पॉन्जी होते हैं प्लस उनके स्टिकिंग पार्ट्स होते हैं। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि फ्लाइज के स्पॉन्जी माउथ पार्ट्स होते हैं प्लस स्टिकी पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जो भी पैथोजन या जो भी चीज़ें होती हैं वो उनके स्टिकी पैड्स के साथ उनके माउथ में वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं या पैड्स के साथ स्टिक हो जाते हैं प्रोटोजोन्स, और फिर जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं तो वो इजीली इन पैथोजन्स को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं। सो दिस वॉज मैकेनिकल वैक्टर्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी वो है बायोलॉजिकल वैक्टर्स। बायोलॉजिकल वैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि ये मैकेनिकली नहीं, फिजिकली नहीं, ये कुछ बायोलॉजिकली जो है वो डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रही हैं। सो बायोलॉजिकल वेक्टर्स, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर्स की, तो बेसिकली इनके अंदर क्या हो रहा है कि ये हेल्प करते हैं पैथोजन को उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। मतलब पैथोजन इनके अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं हो रहा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैथोजन जब इनकी बॉडी में एंटर करता है तो वो ग्रो करता है, मच्योर होता है, उसकी डिफरेंट लाइफ स्टेजेस कंप्लीट होती हैं। वो जब अपनी इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाता है तो उसके बाद फिर वो ह्यूमंस को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करते हैं। सो दैट मीन्स दे प्ले अ वेरी एसेंशियल रोल इन पैथोजन्स लाइफ साइकिल। सो बायोलॉजिकल वेक्टर्स plays essential role in pathogens life cycle which needs the insects to complete their development before being ट्रांसमिटेड। तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होने से पहले उनको अपना जो बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल होता है, जो अपनी लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट करनी होती है। सो उसमें हेल्प कौन करते हैं, बायोलॉजिकल। तो इसका कॉमन एग्जांपल एनोफिलीज है। तो जब एनोफिलीज इज एन एग्जांपल, क्योंकि जब प्लाज्मोडियम जो है वो एनोफिलीज के अंदर एंटर करता है तो प्लाज्मोडियम अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन, वो ग्रोथ डेवलपमेंट में जाता है, उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस है, जब उसकी इन्फेक्टिव स्टेज रीच होती है देन ओनली इट इज एबल टू कॉज मलेरिया। सो पैथोजन लाइक प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, जो एनोफिलीज के थ्रू ट्रैवल कर रहा है उसके हीमोलिम्फ में, उसके ब्लड में एंटर कर जाता है, वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होती है और फिर वो पोटेंशियली केपेबल होता है टू कॉज डिजीज। ठीक है, सिमिलरली आपको छागास डिजीज में देखने के लिए मिल सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में, हम बोल सकते हैं कि इट इन्वॉल्व सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन विद इन अ वेक्टर। तो वेक्टर के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन की स्टेजेस जो हैं वो हो रही हैं और उसके बाद ही वो डिजीज़ को ट्रांसमिट करेगा। उसके अलावा हमें वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो बेसिकली एडीज मस्कीटो से चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलारिसिस, येलो फीवर, जीका वायरस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. एनोफिलीज मेनली मलेरिया, इसके अलावा लिम्फेटिक फाइलारिसिस, क्यूलेक्स कैन कॉज जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड वेस्ट नाइल फीवर, एक्वेटिक स्नेल शिस्टोसोमियासिस कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक फ्लाइज की, ब्लैक फ्लाइज भी रिवर ब्लाइंडनेस करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं. फ्लीज जो है द प्ले अ वेक्टर इन प्लेग, लाइज जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो गेन वेक्टर है और उससे हो जाता है टाइफस फीवर या फिर रिलैप्सिंग फीवर. सैंड फ्लाइज कॉज करती हैं लिशमिनियासिस या सैंडफ्लाई फीवर. टिक्स जो है वो कॉज करती हैं क्रिमिन कॉन्गो हेमराजिक फीवर या फिर लाइम डिजीज. लाइम डिजीज़ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है. रिकेशियल डिजीजेस, तो ये सारे आपको जो वेक्टर्स हैं इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कौन से वेक्टर्स से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं. सो दीज आर द बायोलॉजिकल वेक्टर्स. With this, we are done with carriers and vectors. Hope you understood that and you can easily answer the questions related to this. Thanks for watching.